दोस्तों, अपने हार्ड एंड कैश को आप कहाँ रखते हो? बैंक में। क्यों? ताकि वो सेफ रहे। लेकिन सच तो यह है कि बैंक में पड़ा आपका पैसा बिल्कुल सेफ नहीं। सोचिए, हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट क्या है? करीब 9%। और आपके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 3-4%। चलो FD को भी ले लेते हैं, तो वहाँ भी इंटरेस्ट रेट 6-7% ही है। ऐसे में आपका पैसा नंबर में तो बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू में नहीं। सोचो, आज आपके पास जो 10 रुपए हैं, 5 साल बाद वो 15 हो गए, लेकिन जो कॉफी आज 10 रुपए की मिलती है, 5 साल बाद वो 20 की आएगी। तो आपके पैसे 10 के 15 तो हुए, लेकिन आप मार्केट में अब उससे कॉफी नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू गिर गई। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट में रखे पैसे समय के साथ इंटरेस्ट रेट के कारण नंबर में थोड़े बढ़ भी रहे हैं, तो भी वो बढ़ती महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। यानी कुल मिलाकर आपका फ्यूचर इनसिक्योर ही रहेगा। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 नए इनोवेटिव और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट आइडियाज, जहां पैसे इन्वेस्ट करके आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो और अपने पैसों की वैल्यू वाकई में बढ़ाकर इन्फ्लेशन को मात दे सकते हो। तो अगर रेडी हो तो कमेंट में लिख दो I am ready। तो पहला है इन्वेस्टमेंट इन प्रेशियस मेटल। प्रेशियस मेटल यानी कि सोना, चांदी और प्लेटिनम। इन्हें प्रेशियस मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सप्लाई काफी लिमिटेड है, और जब सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो डिमांड और वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। आज से करीब 4,500 साल पहले, जब सोने की खोज पहली बार हुई थी, तब से लेकर करीब 300 साल पहले तक करेंसी केवल पेपर पर बने नोट नहीं, बल्कि असली चांदी और सोने के सिक्के हुआ करते थे, जिनकी वैल्यू पर महंगाई और मंदी का कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए सोना और चांदी जैसे मेटल्स लोगों के बीच इन्वेस्टमेंट का पॉपुलर जरिया कल भी थे और आज भी है। अगर हम एनुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें, तो गोल्ड रियल एस्टेट के बाद सेकंड नंबर पर सबसे प्रॉफिटेबल और लो रिस्क कमोडिटी है। और अगर आप पिछले 10 सालों में रिटर्न देखें, तो गोल्ड ने स्टॉक मार्केट जितने अच्छे रिटर्न ही दिए हैं। जो सोना आज से 10 साल पहले 18-19 हजार रुपए तोला था, आज वो 60-62 हजार रुपए हो गया। और कई मार्केट प्रिडिक्टर्स आने वाले सालों में इसे और भी ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में गोल्ड आपके पास इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। केवल गोल्ड ही नहीं, बल्कि चांदी और प्लेटिनम के दाम भी हर साल आसमान छू रहे हैं, जो इन्हें इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा जरिया बनाते हैं। तो इन मेटल्स में इन्वेस्ट कैसे करें? पहला तरीका, जो मेरा भी फेवरेट है, वो ये कि आप फिजिकल गोल्ड लेकर रख लो। फिजिकल गोल्ड 2 फॉर्म में अवेलेबल है, गोल्ड कॉइन्स और बुलियंस, यानी गोल्ड के बिस्किट्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गोल्ड खुदा की करेंसी है। आप रुपए का नोट हर देश में नहीं चला सकते, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है तो आप इससे दुनिया में कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हो। और ये एक ऐसी करेंसी है जिसे दुनिया की कोई सरकार बंद नहीं कर सकती। जैसे कि एक झटके में 1,000 और 500 के नोट्स की वैल्यू 0 हो गई थी, लेकिन गोल्ड की वैल्यू वैसी की वैसी ही थी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड। इसके अंदर आता है ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, बट वहां पर इन्वेस्टमेंट स्टॉक में होते हैं, यहां पर ये गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो RBI जारी करता है। अगर आप चाहते हो कि इन सब पर एक डिटेल्ड वीडियो बने, तो जल्दी से कमेंट में मुझे बता दो, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगा। आइए अब जरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के कुछ मार्केट पैरामीटर्स परख लेते हैं। पहला है रिटर्न। तो गोल्ड का एवरेज रिटर्न मोस्टली 8-10% का रहा है। दूसरा पैरामीटर है रिस्क। चूंकि गोल्ड एक कमोडिटी है, इसलिए यहाँ रिस्क के बहुत कम या मॉडरेट चांसेस है। तीसरा पैरामीटर है लिक्विडिटी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में आपको काफी लिक्विडिटी मिल जाती है, क्योंकि चाहे फिजिकल गोल्ड हो या डिजिटल, आप जब चाहे उसे सेल करके अपना कैश विड्रॉ कर सकते हो। आखिरी पैरामीटर है वोलेटिलिटी। गोल्ड के रेट हाईली वोलेटाइल है, खासकर त्योहारों के टाइम शॉर्ट पीरियड में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं। सो बातों की एक बात है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट हेजिंग के लिए परफेक्ट है। यानी जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सबसे कम इफेक्ट होता है, तो आपको ये लॉस से बचा सकता है। इस वीडियो का सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज एंड रॉ मटेरियल। गोल्ड के अलावा कई और मेटल जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम भी बड़े काम के होते हैं। बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कॉपर वायर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, वहीं कोबाल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में काम आता है। आजकल उसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। इसी तरह सिलिकॉन जैसे रॉ मटेरियल्स, जिनकी डिमांड टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम के साथ बढ़ती जा रही है। जो कॉपर कुछ साल पहले 100 रुपए किलो था, वो आज 1,000 रुपए किलो है, यानी 10 गुना प्रॉफिट। इसी तरह से 2012 में कोबाल्ट $20,000 पर टन था, और 2022 में वो $40,000 पर पहुंच गया। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर आप इसे फिजिकल फॉर्म में खरीद कर रखोगे, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम तो आएगी ही, साथ इसके बायर्स और सेलर्स ढूंढना भी हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए आसान नहीं है। तो रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करने का दूसरा रास्ता है माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, आप खुद अच्छी लिस्टेड माइनिंग कंपनीज ढूंढिए। नंबर 3 है सेफ हेवन करेंसीज। नेता हो, अभिनेता हो, चाहे माल्या हो या नीरव मोदी, सबके पास स्विस अकाउंट जरूर होता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ये सब लोग स्विस बैंक में ही अकाउंट क्यों खोलते हैं? इसका रीजन ये नहीं कि उन्हें वहां की वादियां पसंद है, इसका रीजन है स्विट्जरलैंड की करेंसी। वो क्यों, आइए समझते हैं।
आपने सेफ हेवन करेंसी का नाम सुना है? जो लोग कुछ हट के सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सेफ हेवन करेंसी में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दरअसल दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जहां दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वहां की करेंसी क्राइसिस के टाइम पर भी अपनी वैल्यू नहीं खोती। इनफैक्ट कई बार तो क्राइसिस में उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। ऐसी करेंसीज को सेफ हेवन करेंसीज कहते हैं, जैसे स्विस फ्रैंक, यूएस डॉलर, जापानीज येन या फिर ब्रिटिश यूरो। इन सब में भी स्विस फ्रैंक इन्वेस्टमेंट का सबसे स्टेबल ऑप्शन है। साल 2009 में आई इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान एक स्विस फ्रैंक ही था जो सबसे कम इफेक्ट हुआ था। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में भी जब यूएस ने रशिया पर बैन लगाया, उसके बाद रशिया ने भी स्विस फ्रैंक का ही इस्तेमाल किया सभी यूरोपियन कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए। तो सेफ हेवन करेंसी आपके पैसों को कैसे बचाती है? मान लो कि आपके जेब में 500 का नोट है, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस आई या देश में इन्फ्लेशन बढ़ा, तो आपके 500 रुपए की वैल्यू 350 के बराबर होगी। लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों को एक्सचेंज करके स्विस फ्रैंक के रूप में सेव करते, तो आपको 5 साल बाद एक्सचेंज करने पर वही 500 रुपए 1000 या उससे भी ज्यादा बन सकते थे। ऐसा कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि क्राइसिस और इन्फ्लेशन के दौरान स्विस फ्रैंक की वैल्यू तो बढ़ गई पर रुपए की कम हो गई। लेकिन आप इन करेंसीज में इन्वेस्ट कैसे करोगे? अब हर कोई तो जाकर स्विस बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता, तो इसके लिए आप करेंसी ETF या फिर फॉरेक्स ट्रेड में इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने से पहले आप उसे चेक जरूर कर लो, उससे जुड़े रेगुलेशन जरूर पढ़ लो और मिनिमम अमाउंट के साथ ट्रेडिंग शुरू करो। करेंसी ट्रेडिंग की सबसे अच्छी बात है इसकी लिक्विडिटी। आप जब चाहो अपना कैश जरूरत पड़ने पर बड़ी आसानी से विड्रॉ कर सकते हो। और दूसरी अच्छी बात है लेस वोलेटिलिटी, यानी इसके प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते और एक लंबे समय तक सेम रहते हैं। इस तरह से सेफ हेवन करेंसी इस वोलेटाइल मार्केट में आपके पैसों को सेफ रखने का बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 4, सॉवरेन गारंटी। अगर कोई भी पॉलिसी लेने की बात आती है तो आज भी हमारे देश में सबसे पहले लोगों को LIC का ही नाम याद आता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि LIC के पास है सॉवरेन गारंटी। अब ये सॉवरेन गारंटी क्या है? ये शब्द शायद आपने पहले भी सुना होगा, तो चलिए आज इसका मतलब समझ लेते हैं। सॉवरेन गारंटी यानी वो पॉलिसीज या इन्वेस्टमेंट जिसे गवर्नमेंट खुद बैक करती है या सपोर्ट करती है। जैसे मान लो कि अगर LIC किसी वजह से बैंककरप्ट हो जाती है, तो भी सॉवरेन गारंटी होने के कारण आपका पैसा डूबेगा नहीं। LIC बॉन्ड्स में मौजूद आपका पैसा प्लस जो बेनिफिट्स LIC ने आपको प्रॉमिस किए थे, चाहे मैच्योरिटी बेनिफिट हो, हेल्थ बेनिफिट हो या फिर डेथ पर मिलने वाला अमाउंट, सब आपको भारत सरकार खुद देगी। वहीं अगर आप प्राइवेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो बैंक डूबने पर आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए LIC के प्रीमियम इतने महंगे होने के बाद भी वो पॉलिसी मार्केट का 70% कंट्रोल करती है। हमारे देश में कई सॉवरेन गारंटी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन गारंटी पॉलिसी जैसे LIC, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, PPF और सुकन्या समृद्धि और पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम्स। पर लो रिस्क होने के कारण इसके एवरेज रिटर्न भी प्राइवेट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में कम है। ये आपको ऑलमोस्ट 7-9% का रिटर्न देते हैं। साथ ही इनकी लिक्विडिटी कम है, यानी आपका पैसा कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है, आप उसे निकाल नहीं सकते। नंबर 5 है वैल्यू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बुखार आ जाता है। या तो लोग इसे रिस्की मानकर छूना भी पसंद नहीं करते, या तो कुछ लोग रातों रात अमीर बनने के लालच में बिना होमवर्क किए इन्वेस्ट करके अपना सारा पैसा गवा देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सही मायने में इसे समझकर इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के साथ प्रॉफिट कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट गारंटीड रिटर्न पाने के 2 सबसे आसान रास्ते हैं, वैल्यू स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स। वैल्यू स्टॉक यानी उन कंपनी या उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो अभी तक अंडर वैल्यूड है, यानी जिनके स्टॉक प्राइस उनके इंट्रेंसिक वैल्यू से कम हो। ये इन्वेस्टिंग स्टाइल इस बिलीफ पर काम करता है कि स्टॉक मार्केट किसी भी न्यूज पर ओवर रिएक्ट करता है और कंपनी के पास पोटेंशियल होने के बावजूद भी ट्रेंड्स उसे कम आंकते हैं। ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्टर को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का मौका देते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक वैल्यू जब इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास या उससे ऊपर पहुंच जाए, तो आप उसे बेचकर अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। वही म्यूचुअल फंड्स को अगर आप समझो तो म्यूचुअल मतलब मिलकर, यानी जब कई सारे लोग मिलकर स्टॉक मार्केट में एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको खुद हर समय मार्केट पर नजर नहीं रखनी पड़ती। फंड क्रिएटर एक फिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं और वो खुद कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करके आपको अच्छे रिटर्न दिलाते हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज आपको 12-15% का रिटर्न मिलता है। रिस्क हाई टू मॉडरेट रहता है। लिक्विडिटी यू तो है जब आप चाहो अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हो तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना होगा और कुछ समय वेट करना होगा, क्योंकि जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो वोलेटिलिटी तो होती ही है। नंबर 6, लैंड एंड रियल एस्टेट। लैंड और रियल एस्टेट सदियों से चला आ रहा इन्वेस्टमेंट मेथड है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वाइन जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छी होती है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट का मेथड जितना पुराना हो उतना ही ट्रस्टवर्दी होता है। ये एक ऐसा मेथड है जिस पर रिटर्न मिलना ही मिलना है, फिर चाहे वो रेंटल इनकम के फॉर्म में हो या फिर प्रॉपर्टी पर अप्रिसिएशन। अगर आपके पास एक होलसम अमाउंट ऑफ मनी है तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी लैंड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास काफी सारा पैसा जमा नहीं है तो भी आप रियल एस्टेट के मैदान में खेल सकते हो। कैसे? रीट्स के थ्रू।
रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है, बस यहाँ पर ट्रस्ट के लोग मिलकर स्टॉक की जगह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ट्रस्ट क्रिएटर आपका पैसा किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे मॉल, बिजनेस या शॉप्स में, या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जैसे अपार्टमेंट्स, हॉस्टल्स, रो हाउसेज, इन सब में इन्वेस्ट करता है। और फिर जो रेंटल इनकम जनरेट होती है वो आपका डिविडेंड के थ्रू मिलती है, और प्रॉपर्टी का मार्केट अप्रिसिएशन आपके यूनिट होल्डिंग्स के बढ़ते प्राइस के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। तो यानी अगर आपकी जेब में 500 रुपए भी हैं तो भी आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हो। रही बात रिटर्न और लिक्विडिटी की, आप जब चाहो अपनी यूनिट होल्डिंग सेल करके आसानी से कैश विड्रॉ कर सकते हो। नंबर 7 है कलेक्टिबल्स। कलेक्टिबल्स यानी वो चीजें जो दुनिया में बहुत कम है, जैसे विंटेज कार्स, लिमिटेड एडिशन चीजें, पुराने कॉइन्स, स्टाम्प से लेकर पेंटिंग्स और कार्ड्स तक, सब कुछ कलेक्टिबल्स के अंदर आता है। ये कैसे आपको पैसा कमा कर देते हैं? वो ऐसे कि शौक बड़ी चीज है। दुनिया में कई लोग कलेक्टिबल्स को लेकर इतने दीवाने हैं कि वो इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं। जैसे लियोनार्डो दा विंची की कंट्रोवर्शियल पेंटिंग मंडी द सेवियर एक ऑक्शन में $450 मिलियन की बिकी थी, जिसे सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खरीदी थी। वहीं 1986 में आर्टिस्ट जेफ कून्स का बनाया गया अल्ट्रा रैबिट का स्टील स्कल्पचर लगभग $91 मिलियन में बिका था। तो कब, कहाँ, कौन सा कलेक्टिबल कितनी प्राइस पर बिक जाए, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी कलेक्टिबल की वैल्यू खरीदने वाले की नजरों में होती है, उसकी दीवानगी ही उसका प्राइस डिसाइड करती है। ऐसे ही कई कलेक्टिबल्स हैं जिनकी प्राइस वो जितने पुराने होते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनिक। टाइटेनिक से रिलेटेड चीजों के कलेक्टिबल की दुनिया में दीवानगी है और ये बहुत अच्छी कीमत में बिकती है। वैसे तो लोग कलेक्टिबल्स शौक के लिए खरीदते हैं, लेकिन अगर आप कलेक्टिबल्स इस मोटिव के साथ खरीदो कि आप इसे ज्यादा प्राइस में बेचकर प्रॉफिट कमाओगे, तो इसे कलेक्टिबल्स इन्वेस्टिंग कहते हैं। एक मुश्किल ये है कि कलेक्टिबल्स को रखने और खरीदने में अच्छा खासा पैसा लगता है, पर इसका भी इलाज है। आप बहुत सी वेबसाइट जैसे collectible.com पर भी अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर बड़ी चीजों में इन्वेस्ट करना आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, तो जर्सी, कार्ड्स, स्टाम्प्स और कॉइन जैसी छोटी छोटी चीजों में इन्वेस्ट करके इन प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर सकते हो। कलेक्टिबल में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफाइड लुक देता है, और आपको इन्वेस्टिंग के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करने में भी हेल्प करता है। तो आपके इमरजेंसी फंड के अलावा जो पैसा है, आप उसे बैंक से निकालो और अलग जगहों पर इन्वेस्ट करो, ताकि आपका पैसा आपको और पैसा बना कर दे। वीडियो में बताइए कि जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, और इन बातों को अप्लाई करने के लिए कमेंट में यस आई विल लिखा अफर्म जरूर करना। याद रखिए कि अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है। ये बुक ऐप डाउनलोड करो, जहां पर आप 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी एक भी ऐड के। फाइनली यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।